फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल और शेयर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जियोमी फ़ोन के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा जियोमी का बढ़ते हुए मार्केट को देखकर जियोमी एक न्यू फ़ोन लॉन्च करने वाला है जो कि है जियोमी रेडमी नोट 9 प्रो। जी हाँ दोस्तों आपने देखा होगा जियोमी का मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जियोमी का फ़ोन की डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उस पर दबा दीजिए ताकि जब भी उनका लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको पहले से आ जाए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उस फोन के बारे में। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहले उसके डिस्प्ले के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 6.53 इंचेस का फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विथ कलर IPS LCD स्क्रीन के साथ 16mm कलर के साथ। तो उसके साथ साथ आपको मिलेगा कॉर्निंग का गोल्डन ग्लास 5 का प्रोटेक्शन विथ मिलेगा 2.5D कवर ग्लास के साथ। यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा इस फोन में। तो दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उसकी मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको जो मेमोरी दिया गया है यहाँ पर आपको 6GB रैम और 64GB रोम के साथ ये फोन आपके आता है। तो इसमें आप 512GB तक एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं उसके एक्स्ट्रा GPS के बारे में। तो दोस्तों इसमें ब्लूटूथ USB और माइक्रो USB सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर आप 3.5 MP जो है यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके कैमरे के बारे में। दोस्तों इसमें जो कैमरा है आपको दिया गया है इसमें 4 कैमरा, रियर कैमरा 4 दिया गया है और फ्रंट कैमरा 1 दिया गया है। जो रियर कैमरा आपको 4 दिया गया है, फास्ट जो कैमरा दिया गया है यहाँ पर आपको वाइड एंगल का 64MP का कैमरा दिया गया है जो कि f1.7 अपर्चर के साथ। और यहाँ पर और एक कैमरा दिया गया है 8MP का जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि उसका अपर्चर दिया गया है यहाँ पर f2.2 का। और मार्को लेंसेस कैमरा यहाँ पर आपको एक दिया गया है जिसका जो 2MP का जिसका अपर्चर है f2.4 का। उसके साथ डीप सेंसर कैमरा यहाँ पर आपको एक दिया गया है जो कि 2MP का इसका अपर्चर दिया गया है f2.4 का विद ऑटो फोकस। दोस्तों चले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर आप कौन कौन से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फोन में आप 4K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें एक LED फ्लैश दिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं फ्रंट में आपको कौन से कैमरा दिया गया है। दोस्तों जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर आपको दिया गया 20MP का फ्रंट कैमरा दिया गया जिसका अपर्चर दिया गया है यहाँ पर f2 का। जो मेन कैमरा यहाँ पर आपको दिया गया है उसमें आप 1080 पिक्सल का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उससे चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड 10.0 का ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का चिपसेट विथ 2.2 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको आर्डिनो 618 भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये फ़ोन आपकी HTML5 सपोर्ट करता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उसके बैटरी के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैटरी आपको मिलने वाला है नॉन रिमूवल बैटरी मिलने वाला है। दोस्तों यहाँ पर 4500 के यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये फ़ोन आपकी फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं जो कि 18 वाट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए आफ्टर ऑल उसके देखते हैं इस फोन की प्राइस के बारे में। तो दोस्तों इसके जो प्राइस रखा गया है एक्सपेक्टेड 15,990 रुपीज़ यहाँ पर आपका रखा गया है। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेड प्राइस है। तो फोन आने के बाद इसका एग्जैक्ट प्राइस पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस उतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसे लगा।